शरिया पसंद है तो चले जाओ अफगानिस्तान, चले जाओ अफगानिस्तान, अगर चाहिए तो पहिए पर लटक के जाओ या भेजेंगे सहसम्मान, आप तय कर लो। पर सवाल यह पैदा होता है अमीश जी कि दो तीन बातें कहूंगा बहुत जी। देन रमानी साहब, यूएपीए के तहत बोको हराम को भी आतंकवादी संगठन भारत ने नहीं घोषित किया है, क्या वो आतंकवादी नहीं है? वो यूएपीए की लिस्ट केवल उन लोगों के लिए है जो भारत की जमीन पर आतंकवादी हमला करते हैं, इसीलिए तालिबान हो सकता है हम लोगों के लिए तो सारे ही आतंकवादी है पर उसका नाम उस लिस्ट में नहीं है। पर आप एक चीज बताइए, ये कहते हैं कि तालिबान के बारे में यूएनएससी रेजोल्यूशन नहीं है, यूएनएससी एक सेकंड, बीच में नहीं, यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 तालिबान और अलकायदा को एक ही लिस्ट में रखता है, दोनों पर सैंक्शंस डालता है, इसका मतलब कि ऑलरेडी तय है कि तालिबान आतंकी संगठन है। पर कुछ लोग यहां पर बैठकर और एक लोग यहां पर, मुझे शर्म की बात है कि यहां पर एक व्यक्ति है जिन्होंने ट्वीट किया, क्या मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ये ट्वीट करते हैं, अफगानिस्तान के लोग सुने। इन 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि एक क्रूसेड है अफगानिस्तान के खिलाफ, वो आए उन्होंने बॉम्ब किया, 20 साल बर्बाद किया, पर ये क्रूसेडर कभी भी 1400 साल तक हार नहीं मानता, हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ विदाउट फायरिंग अ बुलेट, दे विल नेवर सक्सीड वॉट एवर नेस्टी वर्ड स्पीक्स अबाउट अस। मतलब ये अपने आप को तालिबान के साथ खड़ा पड़तवाते हैं। आज मैं आपको पूछता हूं कि आप इन अफगान के लोगों के साथ है या आप जिसको अस कहते हैं आप तालिबान के जवाब तस्सीम नवानी, क्या मैं इनका सवाल का जवाब देने आया हूँ? नहीं, बिल्कुल, आपको तो जनता मेरा सवाल अफगानिस्तान के लोगों से है, मेरा सवाल इस्लाम की तरफ से है, मेरा सवाल इंसानियत की तरफ से है, आप तय करिए आपकी जात की तरफ से है। मैं पहले इन सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप तमाम लोग जो अफगानिस्तान से यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये 20 साल पहले आपकी उम्र मुझे देखने में 25-30 साल की लग रही है उमूमन, क्या आपको शरिया पसंद नहीं है? आप शरिया से बच के यहाँ आए, बोलिए नो, अगर नो है तो बोलिए कुल ऐसा है, आप शरिया से बच के आए हैं यहाँ? नहीं, अब आप इनको बोलने दीजिए, बहुत लंबी तकलीफ हो गई, और दुपट्टा यही साबित करता है कि हमें शरिया पसंद है, लेकिन ऐसे शरिया हमें नहीं चाहिए कि मर्द हमें मारे, मर्द हमें बोले कि घर से मत निकलो, मेरे सवाल का जवाब मिल गया, ये लोग ये फरमा रहे हैं, अमीश जी आप मुझे बात पूरी करने दीजिए, सवाल शरिया नहीं है, शरिया का ठेकेदार तालिबान है, ठीक है ओके, मेरा ऑडियंस से भी निवेदन है कि अपनी टर्न पे बोले, आप देखिए मैं आधे घंटे 20 मिनट से सुन रहा हूँ, 16 मिनट तो प्रोग्राम शुरू हुए, जी 16 मिनट से सुन रहा हूँ, चलिए मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इन तमाम लोगों से पूछा कि आप शरिया से बच के आए हैं, ये कह रहे हैं शरिया से नहीं एक्सट्रीमिज्म से बच के आए हैं, जी एम आई राइट? ओके, शरिया हमारे जो दोस्त हैं मोदी जी के आने के बाद, सऊदी अरब शरिया वाला देश है, यूएई शरिया वाला देश है, हमारा ये कुवैत शरिया वाला देश है, हिंदुस्तान को भी शरिया वाला देश बना दे, ईरान शरिया वाला देश है, तो चाहते क्या है? हमारे दोस्त हैं, इसलिए आप इस मामले में शरिया को ना लाइए, मेरा पहले दिन से स्टैंड है, ये सीरियस भी है इशू, सेंसिटिव भी है, ये देश हमारा चूंकि बिल्कुल इमीडिएट नेबर ना होने के बावजूद फार नेबर है अफगानिस्तान, लेकिन इस आप जैसों के लिए नसरुद्दीन शाह ने बोला है, आप जैसों के लिए नसरुद्दीन शाह ने बोला है, जरा सुनो भी, सुनिए पे अफगानिस्तान का इंपैक्ट होना है, इसलिए मुझे ये सोचना है कि मेरे देश पे उसका इंपैक्ट होना है, वो इंपैक्ट क्या होगा? नहीं, वहां पर जो हजारों लोग अभी तक मौजूद हैं उनका इवैक्यूएशन तक कर पाए, $3 का जो स्टेक है, ये हमारे सवाल आते बहस करने के बजाय आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करना चाहते हैं, मुसलमान वाली डिबेट आप यहाँ छेड़ना चाहते हैं, शरिया की डिबेट छेड़ना चाहते हैं, आप रीजनल जो पीड़ित कर रहे हैं वो भी मुसलमान है, जो पीड़ित है वो भी पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इशू है, सर मैं आपको मौका दूंगा, अभी मेरा बहुत समय है, रेवानी साहब, रेवानी साहब पार्टी कांग्रेस हिंदू रेवानी साहब मेरा निवेदन स्वीकार करिए, देखिए मेरा निवेदन स्वीकार करिए, स्टूडियो में बड़े दिनों बाद वापसी हुई है, मेरा निवेदन है, जी 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 देखिए अमीश जी, अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, दो विषय मुझे खटका यहाँ पर,
बार बार उन्होंने एक ही विषय पूछा, क्या आपको सरिया से किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, क्या सरिया के डर से यहाँ आए? यहाँ एक तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है, सरिया तो ठीक है, हिंदुस्तान में भी सरिया लाया जा सकता है। और देखिए बार बार यहाँ रहमानी साहब पूछ रहे थे हमारा जो इतना बिलियन डॉलर का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रखा उसका क्या होगा, आपको क्या लगता है? दोनों बगल में जो मेरे भाई खड़े हैं इनको वो इन्वेस्टमेंट की चिंता हो रही है? कोई चिंता नहीं हो रही। अगर तालिबान भी देख रहा होगा तो रिक्रूटमेंट के लिए सोच रहा होगा। आप किस बुनियाद पे सर मैं आपके बीच में एक सेंटेंस आप बोले सब बोले मेरे बीच में आपके सेंटेंस एक सेंटेंस के बीच में कोई नहीं बोला। बत्तमीजी मैं बिल्कुल बत्तमीजी नहीं सुनूंगा। मेरे साथ बीच में बोला मैं क्यों चुप रहा हूं? मैं क्यों चुप रहा हूं? मुझे आपसे नहीं, ये क्या मुझे क्या मजाक है? ये हम डिबेट ही ना करें। बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि मुझे अपने देश के इन्वेस्टमेंट जी 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 रहमानी साहब मुझे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है मैं बिल्कुल बीच में बोला ना, मैं भी साथ बीच में नहीं बोला। आपने सवाल पूछा इस प्रकार का बिहेवियर जिसमें दूसरों को बोलने नहीं दिया जाएगा और ये बोलेंगे कि मुसलमान डरा हुआ है। आप बताइए, मैं शांत बैठा हूँ, आज मैं डिबेट में बोलता ही नहीं। यहाँ पर दोनों मिलकर चिल्लाएंगे हमारे ऊपर, ये मुझे बोलने, मैंने इनके समय एक सेंटेंस बोला, एक शब्द बोला, आप भी बोले, मैं नहीं बोला, तो आप मेरी इनके बदला मेरे से लेंगे? मैं किसी का आप इनका बदला लेना चाहते हैं? लेकिन अगर मुझे अगर आप राहुल गांधी तरह बिहेव करना बंद करिए प्लीज, बाल सफेद हो गए राहुल गांधी तरह बिहेव करते हैं क्या? राहुल गांधी चाहिए भगवान सरस्वती जी और राहुल गांधी अलग अलग है, माँ सरस्वती के बारे में आपने क्यों ये सरस्वती जी को क्यों बोला? देखिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं रहमानी जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इनका दो ही मसला था, एक मसला था कि सरिया से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और जिस प्रकार से ये लेटेंट एंट्री इंडिया में सरिया का चाहते हैं। मैं दोनों को सुनने के बाद एक बड़ा हतप्रभ हूँ। तालिबान को बचाने की इतनी कोशिश क्यों है? आपने पूछा कि सरकार का स्टैंड क्या है, मैं आपको जवाब देता हूं सरकार का स्टैंड क्या है। सरकार का स्टैंड है किसी भी कीमत पे जो हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको सकुशल घर वापस लाना। आप अगर सोचते हैं कि सरकार तालिबान का समर्थन कर रही है तो एम्बेसी खाली करके यहां क्यों लेके आई सरकार? क्यों लेके आई सरकार? सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ यूएनएससी में क्यों बोला? क्यों बोला कि सरजमीन जो अफगानिस्तान का है वो तालिबान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न किया जाए? मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोल रहा हूं, आज दोनों से पूछ रहा हूं, आप अभी बताइए नोमानी जी ने गलत बोला, बताइए, आप में हिम्मत है तो बता के देखिए कि तीन सवाल पूछूंगा आपसे, क्यों नहीं पूछूंगा? आप राजा हैं, आप क्यों नहीं जवाब देंगे? आप जवाब दीजिए, मैं आपको तीन सवाल तालिबानी स्कूल से पढ़ के आए दूसरे को बोलने देते नहीं है। क्यों कर रहे थे आप? अमीश जी मैं बोल लूं, कंप्लीट कर लूं, तेहरान में तालिबान कंप्लीट कर लूं।